उट हो रहे हैं जनवरी 2024 जब से शुरू हुआ है डजेंट मैटर दुनिया में आप कहीं पे भी हैं कैटेगरी वाइज कर दिया पी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं 2024 जब से शुरू हुआ है कैनडा इमिग्रेशन जो है कैनडा गवर्नमेंट जो है कुछ ना कुछ ना नया कर रही है इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन इन टर्म्स ऑफ पी आर इन टर्म्स ऑफ असाइल इन टर्म्स ऑफ रेफ्यूजी इन टर्म्स ऑफ टम्प्ररी रेजिडेंस इन टर्म्स ऑफ विजिटर वीज़ास काफ़ी सारे चेंजेस इन आउट हो रहे हैं जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर जब से शुरू हुआ है अभी आज हम बात करेंगे थ्री इम्पोर्टेंट चेंजेस वो करने जा रहे हैं टूवर्ड्स पी आर के लिए अगर आप कैनडा आना चाह रहे हैं डजन बैटर दुनिया में आप कहीं पर भी हैं आप पाकिस्तान में है इंडिया में है दुबई में है सऊदिया में एनी वेयर इन वर्ल्ड अगर आप कैनडा आना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तीन चेंजेस हैं जो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में तो प्लीज़ वॉच करें और ज़रूर शेयर करें असल आपका दोस्त यासिर खान मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब शहरी से होंगे जैसा कि आप जानते हैं मैं ट्रांटो और सराउंडिंग में फुल टाइम रियल स्टेट में हूँ विद फिफ्टीन प्लस ईयर्स एक्सपीरियंस आपके जहन में कोई भी सवाल हो बाइंग हो सेलिंग हो इन्वेस्टमेंट हो कमर्शियल हो या प्री कंस्ट्रक्शन हो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज इस वक्त टोरंटो सराउंडिंग्स में टोरंटो के ईस्ट में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है डिटैच घर है 750 और बिल्डर आपको लीगल बेसमेंट बना के दे रहा है प्लस वो आपसे फोर डॉलर में इसको लीज बैक करेगा कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो आप मुझे राइट अवे कॉल करें राइट अवे मैसेज करें इसकी ऑक्यूपेंसी जून ट्वेंटी में है सिक्सटी थाउजेंड डॉलर से आप इसको डिपॉजिट देके बुक कर सकते हैं डबल गैराज के डी टैच लॉट्स है फोर्टी फीट के कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो आप अपने दोस्त को राइट वे कॉल करें चले जी टॉपिक की तरफ चलते हैं कि काफी सारी चेंजेस हो रही हैं टूवर्ड्स तो कैनेडा के पी के लिए जो लोग कैनेडा आना चाह रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है पहली चेंज जो उन्होंने की है जो कनाडा का पीआर है अब इन्होंने इसको कैटेगरी वाइज Uh, कर दिया है और इस पर इन्होंने एक लिस्ट जारी की है मैं कुछ डेटा आपके साथ शेयर करता हूँ अगर आप पीआर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं और अगर आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए पीआर लेना बहुत ही आसान हो जाएगा इसको उन्होंने 78 परसेंट इस कैटेगरीज़ को दिया है और जनरल कैटेगरीज़ जो है उसको 22 परसेंट दिया है तो आप इमेजिन करें कि जनरल कैटेगरी में अगर आप आना चाह रहे हैं तो उसमें सिर्फ जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो ट्वेंटी टू परसेंट की हैं जी मैं आपको कुछ कैटेगरीज जो उन्होंने मेंशन की हैं या आप उनकी वेबसाइट पे भी जाके इसको डबल कर सकते हैं सबसे पहली जो कैटेगरी दी है उन्होंने और जिसको सबसे ज़्यादा परसेंटेज दिए हैं वो दिए जी फ्रेंच बोलने वालों को तो अगर आप फ्रेंच बोलते हैं तो आपके लिए काफी प्लस है आपकी पॉसिबिलिटीज बहुत है पीआर कार्ड के लिए थर्टी परसेंट इन्होंने फ्रेंच स्पीकर्स के लिए रखी है उसमें टोटल सेवेंटी एट में इन्होंने थर्टी परसेंट फ्रेंच जो बोलने वाले लोग हैं उनके लिए रखी है दूसरे नंबर पर जो कैटेगरी है वो है जी हेल्थ केयर ऑक्यूपेशन्स हेल्थ केयर में आप नर्स हो सकते हैं आप फिजिशंस हो सकते हैं फिजियोथेरापस्ट हो सकते हैं फार्मासिस्ट हो सकते हैं फिफ्टीन दिए हैं हेल्थ कैटेगरी उसके बाद जो कैटेगरी इन्होंने डिफाइन की है वो है जी स्टीम ऑक्युपेश आप गूगल कर लीजिएगा इसमें मोस्टली इंजीनियर्स आते हैं इसको इन्होंने 25 परसेंट की कैटेगरी को अलाउ किया है तो आप गूगल कर लें कि स्टीम ऑक्युपेशंस जो है इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं इसको इन्होंने जी ट्वेंटी दिए हैं उसके बाद अब जो नई कैटेगरी है वो है ट्रेड ऑक्युपेशन्स तो ट्रेड यानी कि कमर्शल ट्रेड्स uh, हो गए जिस तरह आप कारपेंटर हैं आप इलेक्ट्रीशियन uh, हैं आप प्लम्बर हैं आप प्रूफर हैं तो ये सारे ट्रेड्स हैं स्किल वर्कर्स की बात हो रही है इसको इन्होंने फाइव परसेंट दिए हैं उसके बाद इन्होंने जी जो बड़े ट्रक्स हैं जिनकी इनको जरूरत है बंदों की तो उसको इन्होंने तीन परसेंट उस कैटेगरी में जगह दी है उसके बाद जो आखिरी है इस कैटेगरी में वो है जी एग्रीकल्चर एंड अग्री फूड ऑक्यूपेशन इसको इन्होंने लेस देन वन परसेंट दिया है जीरो पॉइंट फाइव परसेंट तो ये एक दो तीन चार पाँच सात कैटेगरीज को इन्होंने सेवनटी एट परसेंट दिए हैं अगर आप इन सात कैटेगरीज में आते हैं तो आपके लिए पी लेना बहुत ही आसान हो सकता है आने वाले दिनों में बाकी जो भी डिटेल्स आपको चाहिए हैं आप प्लीज गूगल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं ये तो थी पहली चेंज दूसरा नंबर की जो चेंज की है उन्होंने जो उनकी पीएनपी के जो प्रोग्राम्स के लिए IELTS की जो रिक्वायरमेंट होती थी अब उसको वो खत्म करने जा रहे हैं तो अब अगर आप पीएनपी में प्रोग्राम्स है, उसमें अगर आप आना चाह रहे हैं तो उसमें आपको IELTS की जरूरत नहीं है तो आप गूगल कर लीजिएगा ये सारी डिटेल्स कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है तो आयल्स की आपको अब देने की जरूरत नहीं है तो कैनेडा आयल्स के उसको खत्म कर रहा है ये हो गया जी दूसरे नंबर का चेंज तीसरे नंबर का जो चेंज है वो उन्होंने किया है अपनी फीसज इंक्रीज़ कर दी हैं स्टार्टिंग इमेजली उन्होंने अपनी जो पी कार्ड की जो फीस थी जो स्टार्टिंग मे फर्स्ट 2024 उन्होंने उसको इंक्रीज कर दिया है बिटवीन 12 टू 15 परसेंट और ये राइट अवे इंक्रीज हो गया है अगर आप मे फर्स्ट 2024 के बाद अप्लाई कर रहे हैं तो आप पी की जो फीस जो पहले थी उसमें ट्वेल्व टू फिफ्टीन का इंक्रीज देखेंगे पहले ही इंक्रीज थ्री फोर फाइव परसेंट होते थे तो अब इन्होंने सडनली इसको ट्वेल्व टू फिफ्टीन परसेंट कर दिया है तो अगेन ये तीन चेंजेस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत सारी चेंजेस हो रही हैं डेली बेसिस पे आप कैनेडा आने का सोच रहे हैं जरूर आए है। लेकिन अपनी फुल रिसर्च करके आए अपनी फुल ड्यू डिलीजेंस करके आए कोई भी आपको इंफॉर्मेशन टोरंटो सराउंडिंग्स में रियल स्टेट रिलेटेड चाहिए तो यू कॉल योर फ्रेंड यासर खान राइट अवे मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया इसको काइंडली लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी हंसते रहें मुस्कुराते रहें खुशियाँ बाँटते रहें इन बहुत जल्द ऐसी ही किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात रहेगी अपना बहुत ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़ ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर